न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रेवाड़ी के कप्तान नंदलाल अस्पताल और धारवाड़ा के मेडियोम अस्पताल के संचालकों को मरीजों से तय रेट से अधिक चार्ज वसूलने की एवज में रेड मारने के बाद आज कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल संचालकों को 24 घंटे में इसका जवाब देना होगा और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त यशेंद्र सिंह की माने तो इन दोनों अस्पतालों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मरीजों से एक दिन का 50,000 रुपए तक चार्ज वसूल किया जा रहा है, जिसके चलते वहां आए दिन मरीजों के परिजनों के हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने वाले ठेकेदारों की बात हो चाहे फिर कालाबाजारी की बात हो, संबंधित विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के सवाल पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रही हैं जहां ज्यादा केस मिल रहे हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसीलिए आता है यहाँ पे कि उसके परिवार वाले बच जाए और वो उन चीजों को करने के लिए कर देता है, चलो पर्ची ले लेंगे, चलो ले लेंगे। कुछ निजी अस्पतालों से ओवरचार्जिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात हमने टीम का गठन करके उसको रेड कराया है और हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है और जैसे ही वो जवाब देंगे और जो भी जांच आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल है सर और क्या कुछ अभी निकल के सामने आया अभी तक? दो हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि आपको ज्ञात है और उनके उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं और जैसे ही वो जवाब देंगे कल तक या आज जो भी उनको समय दिया गया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर और भी कई अस्पतालों से इसी तरह की शिकायतें खबरें मिल रही हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आगे दिया है? जिस भी अस्पताल की शिकायत मिलती है या मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नियमानुसार। कोई भी ओवरचार्ज करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। सब अस्पतालों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर वो रेट्स भी लिखे हुए हैं तो नंबर भी लिखा है। कोई भी मरीज़ या उसका अटेंडेंट हमें शिकायत करे, CMO रेवाड़ी को शिकायत करे और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई थी कल जो जिस पर सोकाड नोटिस की बात कर रहे हैं, अभी फिर वही इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, परिजन वहां हंगामा कर रहे हैं, वो भी अब भी कह रहे हैं कि जो है उनसे और रेट लिए गए। आज शाम तक उनका जवाब आएगा और अभी जांच चल रही है, जैसे ही होगा हम आपको सूचित कर देंगे। सर शराब की दुकानों पर चोरी छिपे खुलेआम शराब बिक रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी शिकायत प्राप्त होती है वो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करता है और आपके पास भी यदि कोई सूचना है या हमें जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेता है। एक सर 2 बजे तक ग्रोसरी शॉप को जो है वो छूट दी गई है लेकिन कुछ लोगों ने दूसरे हथकंडे अपना लिए कि कन्फेक्शनरी की दुकान पर ग्रोसरी का सामान रखकर वो धूल झोंक रहे हैं प्रशासन की आंखों में। उसके लिए हमारी नगर परिषद की टीम है, वो रेगुलर उसके ऊपर रेड और इंस्पेक्शन कर रही हैं और जो कि आपको समय समय पे हम आपसे शेयर भी करते रहते हैं। सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगातार कोरोना का कहर है उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए सर? ग्रामीण क्षेत्रों में हम 50 आइसोलेशन सेंटर अभी बना रहे हैं और IEC एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसी प्रकार से हमने हर गाँव के लिए एक स्वास्थ्य टीम का गठन कर दिया है जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे टीचर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, वो सब सर्वे कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही आप यही नतीजे, अच्छे नतीजे गाँव में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है सर।